ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब फिर से मैं खोलता हूँ एक्सेल, फंक्शन वाला आप लोग देख लिए, डेटा वैलिडेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला है एक्सटर्नल, ठीक, एक्सटर्नल डेटा, मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि एक्सटर्नल डेटा का मतलब कि आपका डेटा कहीं और है, ठीक है, और वहां से डेटा मुझे पकड़ के लाना है, ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, अब एक्सटर्नल में कहां कहां डेटा है, एक्सटर्नल में फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फॉर अदर सोर्स में एसक्यूएल या एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन बना है वहां से। मैं बोलता हूं भाई इतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको पहले एक्सेस वाला दे दो, फिर बाकी का बाद में देख लेंगे। ये इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये कहेगा हाँ जी ले लो डेटा, हम दे देंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बड़े काम का चीज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में खोलूंगा। ठीक है, ये है एमएस वर्ड, यहाँ पे मिलता है, यहीं पे एक्सेस कहीं होगा, ये है एक्सेस, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक ठो टेबल। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ स्टूडेंट, एंटर, क्रिएट कर दिया मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बोल रहा है ऐड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे नेम करता हूँ मैं, नहीं इसको सबसे पहले मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ। ठीक है, टेबल बोल रहा है, ये स्टूडेंट टेबल है मेरा। ठीक है, ऑटो नंबर यहाँ पे है, फील्ड में पहला फील्ड में मैं क्या दे देता हूँ, नेम, ओके, फिर क्लास, वसूली कितना हुआ है वो ले लेंगे यहाँ पे, वसूली कितना हुआ है ये तो नंबर में होगा। ठीक है, तो इसको मैं नंबर कर लूंगा जी। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, कर दूंगा ऐसे सेव। ठीक, यहाँ पे मैं आऊंगा जी, इस व्यू में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेम में क्या मैं टाइप कर दूंगा, नाम बताइए अमित कुमार, ये क्या पढ़ रहा है, ये PhD कर रहा है, फीस इसका कितना है, इतना फीस है जी, एंटर कर दिया, एक डेटा मैंने ऐड किया है। ठीक, मुझे एक्सेस चलाना आता है, आपको एक्सेस चलाना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझसे बोलें कि भाई कुछ मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे एक्सेल में बना के दे दो ना। मैं कहूँगा कि नहीं जी मैं बना के नहीं दूंगा, फिर आप कहेंगे कि थोड़ा पैसे ले ले, फिर मैं लालच में आ जाऊँगा और आपको कहूँगा कि मैं बना के दे दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, जितना एक्सेस में डेटा बना रहेगा क्या उसको मैं एक्सेल में बनाऊँगा, नहीं जी ऐसा मैं नहीं करूँगा, इसको मैं बंद करूंगा। ये है आपका एक्सेस वाला फाइल, उसमें एक ठो टेबल है स्टूडेंट नाम का और उस टेबल में अमित कुमार एक ठो डेटा ऐड है। ठीक, अब इस डेटा को एक्सेल में लाना है, क्या करेंगे हम, फ्रॉम एक्सेस में जाएंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं जाऊंगा। ठीक है, ये एक्सेस पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये बोल रहा है, लंबा चौड़ा ऑप्शन दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ टेबल के फॉर्म में देना, बता दे रहा हूँ, किया, क्या बात है, एक क्लिक किया और डेटा सामने, मजा आ गया देख के। ठीक, यही एक्सेल का महत्व है। ठीक, अब जो डेटा एक्सेस में आपने बनाया था यहां पे, ठीक है, यही डेटा था ना यहां पे, जो डेटा यहां पे बनाया था वो डेटा चला गया। अब इसमें 1000 करोड़ डेटा होता तो वो भी आ जाता, पर 1000 करोड़ डेटा तो उसमें आएगा नहीं, उतना उसका क्षमता नहीं है, तो यहां पे आप डेटा ला सकते हो ऐसे। ठीक, इसके आगे मैं कुछ नाम लिखूंगा। ठीक है, जय सवाल लिख देता हूं मैं, नाम सही लिखा हूं जी, जय सवाल, ठीक है, अभी गलत है तो सही बता दो यार, क्या है फिर, जे ए आई, हाँ डब्ल्यू एल, अच्छा ए एल, F2 दबाऊंगा फिर लेफ्ट एरो दबा के ए दबा दूंगा ऐसे, एंटर, ये जयसवाल इधर आ गया। ठीक है, DCA PGDCA PGDCA, ये फीस कितना दिया है, ये गरीब आदमी है, ज़्यादा फीस नहीं दे पाया। ठीक है, मैं 10,000 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे और डेटा ऐड कर सकते हैं, तो यही मतलब है एक्सेस का। ठीक, अब डेटा में जाएंगे, एक्सटर्नल डेटा में जाएंगे, फ्रॉम वेब। ठीक, ये बोल रहा है कि भाई वेबसाइटों में कोई डेटा हो तो बताओ मैं ले लाऊंगा। मैं बोलूँ वाह तुम तो बहुत ज्ञानी हो, मैं बोलता हूँ ठीक है
मैं यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर दूंगा, सी वी आर यू, एंटर, इतना कुछ आ गया, मज़ा नहीं आया, सी वी आर यू, ठीक है, exam.com, इसमें गया, ये लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ आ गया, मैं इस पर क्लिक किया, ठीक, और ये वेबसाइट कॉपी करके, कॉपी किया URL, और यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके, वेब पे आके, पेस्ट करके एंटर कर दूंगा मैं, ठीक है, ये यस नो नो कुछ आ रहा है लंबा चौड़ा चीज, ठीक है, ये आपका खुल गया यहाँ पे पूरा डेटा, इसको कर दो इम्पोर्ट, ठीक है, ये सारा डेटा अब आ जाएगा आपके एक्सेल में, कितना बढ़िया चीज़ है ना, कितना खुशी का बात है। मैं इस सीट पे आता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ, कर दिया ओके, क्या मजाक है, आ गया ना, हाँ ये देखिए जो जो वहां पे कंटेंट था नीचे आ गया इसमें, वाह कितना बढ़िया है ना बढ़िया। तो इस तरह से आप ले लाया करोगे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल करते रहोगे ना तो रिफ्रेश भी होता रहेगा, ठीक है, ठीक। कनेक्शन दो जगह से मैं किया हूं, स्टूडेंट से भी डेटा लाया हूं, ठीक है, मैं इसको करता हूं कैंसल, ठीक है, मैं आता हूं सीट नंबर इसमें, ठीक है, इसको करता हूं मिनिमाइज, ठीक है, इसको करता हूं ओपन, ओपन कर लिया, टैप 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 टैप, इसको क्या करूं, रीड ओनली मोड, मेक डिजाइन, यस ओपन, ऑलरेडी यूज, हाँ यार यूज तो मैं कर रहा हूँ, इनेबल कंटेंट, रीड ओनली इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि मैं एक्सेल में जो है इसको यूज कर रहा हूँ। चलिए अब चलिए मैं इसको बदलूँ, मैं कैसे बदल नहीं सकता क्या, मैं नहीं बदल तो नहीं सकता जी, मैं क्यों नहीं बदल सकता है, रीड ओनली मोड में है क्योंकि किसी अदर जगह पे माने एक्सेल में ये डेटा जो है लिंक है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको एडिट, ठीक है, इसको मैं एडिट करके रिफ्रेश कर देता तो जो है वहाँ भी डेटा अपडेट हो जाता, ठीक है, आ गया आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं अब, ठीक, डेटा में जाएंगे, गेट एक्सटर्नल फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा, ठीक है, ये देख लीजिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देख लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, फिनिश कर दिया, ओके कर दिया, जो जो चीजें था वो यहां पे आ गया ना, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको करता हूं डिलीट, ठीक है, यहां से एक इंसर्ट और कर लेता हूं, मिनिमाइज, यहां पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आऊंगा और यहां पे आ जाऊंगा, ठीक है, SEM, एंटर, इसमें मैं कुछ लिखा, स्पेस फिर लिखा, फिर स्पेस फिर लिखा, फिर स्पेस फिर लिखा, सेव कर दिया, ठीक है, ऑल्ट F4 दबा के सेव करके क्लोज कर दिया, ठीक। अब डेटा में आऊँगा, एक्सटर्नल पे आऊँगा, टेक्स्ट फ्रॉम, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक, ये बोल रहा है डेलीमीटर, ठीक, अगला बोल रहा है फिक्स, मैं कह रहा हूँ फिक्स विड्थ होना चाहिए, नेक्स्ट किया, ये बोल रहा है क्या जहां जहां स्पेस दिए हो उसको मैं अलग अलग कॉलम में डाल दूं, ठीक, तो ये देखिए कॉलम में डालेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में, डेट के फॉर्म में, बाकी है, ठीक। ये फॉर्मेट क्या होगा सेल का, मैं जनरल रहने दिया और कर दूंगा ओके, ठीक, अलग अलग टेक्स्ट में कर दिया, जो जो स्पेस से मैं सेपरेट किया था उसको ये यहां पर कर दिया, ठीक है, इंपोर्ट हो गया, इसी को मैं डबल क्लिक किया, यहां पे आया, कॉमा कॉमा कॉमा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ठीक। अब ये देख लीजिए, इसको मैं फिर से इंपोर्ट रिफ्रेश किया है तो कॉमा को भी यहां पे ला दिया, मैं इसको डिलीट करूंगा, फिर से मैं गेट एक्सटर्नल पे जाकर टेक्स्ट फ्रॉम करूंगा और ये करूंगा, ठीक है, इंपोर्ट किया, ये देख लीजिए ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने आप देखो सेलेक्ट कर लिया डेलीमीटर, ठीक है, इस मैं बैक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो डेलीमीटर में सेलेक्ट बोल रहा है
कैरेक्टर सच एज अ कोमा आर टैब सेपरेट इच फील्ड। नेक्स्ट किया मैं, अब ये बोल रहा है किस चीज़ से सेपरेट किए हो, टैब से, सेमी कॉलन से, कॉमा से, स्पेस से, अदर, क्या है? अदर करूँगा तो यहाँ पे फिर टाइप कर दूंगा जिस चीज़ से सेपरेट किया होऊंगा, ठीक है। तो मैं किस चीज़ से सेपरेट किया था, कॉमा से, ठीक है। ये देख लीजिए, कॉमा को अगर हटा दूंगा तो ये देखिए ऐसे ही इम्पोर्ट कर देगा, कॉमा में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लाइनिंग कर देगा। नेक्स्ट कर दूंगा, ये देख लीजिए फॉर्मेट क्या होगा सेल का, तो ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पे जनरल है, ठीक है। मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। सेटिंग यहाँ पे आया, फिनिश कर दिया, ये देखिए आ गया। अब फॉर्मेट का मैं बात कर रहा था, ये देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट। फिर यहाँ पे आया, इसका फॉर्मेट क्या है, जनरल, ठीक। तो कर दिया एक ठोका टेक्स्ट, बाकी का जनरल किया, ठीक है। तो यही है जी, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल टेक्स्ट फ्रॉम, टेक्स्ट वाला डेटा आप इंपोर्ट कर लोगे, अब टेक्स्ट फाइल का डेटा हो जाएगा ना, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लोग कुछ बोलते ही नहीं है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये ब्लैंक है, ये बहुत सारा हमने कनेक्शन बना रखा है, ओपन कर दिया, ओके कर दिया, तो फिर से एक्सेस वाला डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में मैं गया तो कनेक्शन बना हुआ है स्टूडेंट से, इससे, इतने कनेक्शन, ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगा तो कनेक्शन रिमूव हो जाएगा। एक कनेक्शन में क्या दिखा रहा है ना, कि आपने डेटा कहाँ कहाँ से लाया है, ठीक, वही ये दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो पूछो जरा। कनेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ से हमने डेटा लाया है उस जगह को ये दिखा रहा है, ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगा, ये देख लीजिए, तो रिमूव हो जाएगा ये, ठीक है। और रिफ्रेश यहाँ से करूँगा तो उस डेटा में अगर कोई बदलाव हुआ होगा तो ये देखिए ओपन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और सिलेक्ट करके ये देखिए तो रिफ्रेश करके डेटा फिर से ला देगा, ठीक है। यही है जी इसमें, बाकी तो कुछ रखा नहीं है, ठीक ना। रिमूव, ठीक है, चलिए कैंसल, सारा रिमूव मैंने कर दिया, यस डिलीट। तो एक्सटर्नल वाला तो क्लियर ही होगा सबको। अगला ये है फ्रॉम अदर सोर्स एसक्यूएल सर्वर, अगला आ रहा है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो जिस तरह से आपका डेटा, क्या कहते हैं, टेक्स्ट फाइल से हम ले लाते हैं या एक्सेस से ले लाते हैं, एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ठीक उसी तरह से डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर, जो मैंने यहाँ पे ओपन किया था उस समय पे आपने देखा, ठीक। क्लोज करता हूँ मैं इसको, ठीक है, इस पे आया, कर दिया डिजाइन, मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, सेलेक्ट रो टॉप, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे दो ठो डेटा है टेबल में, वो दिखा रहा है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर से भी डेटा आप ले लाओगे, अदर सोर्स, ये आ गया मैं पेस्ट, नो, सर्वर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा और सर्वर का नाम मैं पता करूँगा, कैसे पता करूँगा जी सर्वर का नाम, यहाँ पे आऊँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, ये आ जाएगा, ठीक। ये मेरा सर्वर का नाम है जी, कैंसिल किया, यहाँ पे आया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये विंडोज़ ऑथेंटिकेट रहने दिया क्योंकि मैंने पासवर्ड नहीं डाला है। नेक्स्ट किया, यहाँ पे आ गया टेबल मेरा, इस टेबल को मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं क्या कर दूँगा, फिनिश कर देता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आता है जी। फिनिश कर दिया, रिप्लेस, यस जी कर दो, ओके। ये देख लीजिए, ये जो डेटा था एक्सेस पे, वो एसक्यूएल सर्वर पे, डेटाबेस पे, यहाँ पे जो डेटा था वो डेटा यहाँ पे आ गया ना, आ गया। तो ये काम करता है इसी तरह से, ठीक, ठीक है। बाकी और डिटेल में एसक्यूएल सर्वर को हम समझेंगे, पीजीडीसीए के सिलेबस में है, डीसीए के सिलेबस में तो नहीं है, पर मन करे तो डीसीए वाले पढ़ सकते हैं, उनसे मैं फीस नहीं मांगूंगा, ठीक है, मुफ्त में पढ़ लें, ठीक, मन करे पढ़ने का तो। और डीसीए वाले हैं वो मुझसे वापस मत मांग लेना प्लीज, ठीक है जी।
क्योंकि मैं पैसे को ना ही हाथ लगाता हूँ ना ही वापस किसी को देता हूँ। ठीक, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता जी, तो मेरे पास तो है नहीं कि मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आगे चले। डेटा एक्सटर्नल, ये बोल रहा है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो वही एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब कि जो जो कनेक्शन बनाया था मैंने, एक कनेक्शन हेमंत हाइफन पीसी सेमंत स्टूडेंट, ये बना था ना कनेक्शन एसक्यूएल सर्वर का, ये किया, ओके किया, तो ये देखिए आ गया डेटा, आ गया ना। ठीक, तो यही मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कुछ और समझ में नहीं आया? हाँ, इसको पॉज कर लेता हूं मैं, फिर पूछ रहा हूं। ठीक है, गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब कि क्या आपका डेटा अलग सोर्स पे है, उसको लाना चाह रहे हो? मैं बोला हाँ जी लाना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेल वो ऑप्शन दे रहा है हमें। ठीक, फ्रॉम एक्सेस मतलब जिस तरह से एक्सेल है, वर्ड है सॉफ्टवेयर, उसी तरह से एक्सेस भी सॉफ्टवेयर है, तो क्या आपका डेटा एक्सेस में पड़ा है, उस डेटा को लाना चाह रहे हो? अगर हाँ तो इस पे क्लिक करो। तो मैं क्लिक करूंगा, फिर डेस्कटॉप पे आऊंगा, फिर जो एक्सेस में मैं बनाया था ना डेटा, वो डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करके कर लूंगा ओपन, तो वो डेटा आ जाएगा जी यहाँ पे। ये देखो आ गया ना आपके सामने, मैं एक्सेस पे डेटा बनाया था, वो तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया? आ गया। हाँ, ये वॉइस फ्रीक्वेंसी से मुझे लग रहा है कि लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं, आ गया, सही है ना? तो यही है फ्रॉम एक्सेस का मतलब कि एक्सेस में डेटा बना है मेरा, उसको एक्सेल में ले आना है, कैसे तो बता दिया मैंने। ठीक है, फ्रॉम वेब का क्या मतलब है कि वेबसाइट पे कोई डेटा है, यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करेंगे और वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक, फ्रॉम टेक्स्ट का क्या मतलब है कि मैं कोई टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, ठीक है, और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कुछ नाम दे दिया ऐसे, ठीक है, और इसमें मैं कुछ लिख दूंगा। ठीक है, कुछ लिख दिया, कॉमा देके कुछ लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे टेबल ही बनाया बना रहा था, जैसे नेम क्लास रोल अंडर स्कोर नंबर फीस, ठीक है, इस तरह से मान लो मैं टेबल ही बना रहा था। ठीक है, तो सेव कर दिया, अब इसको मेरे को एक्सेल में टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, बड़ा आसान है जी, बन जाएगा, तो इसीलिए तो बता रहा हूं। फ्रॉम टेक्स्ट हो गया, डी हो गया, ठीक, डी बनाया था ना अभी, इंपोर्ट पे क्लिक किया, अभी बोल रहा है डेलीमीटर है कुछ, डेलीमीटर मतलब ऐसा कुछ सिंबल आपने दिया है जहां से तोड़ सके आप, मैं बोला जी हाँ दिया हूं। नेक्स्ट किया, अब टैब यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं बोल रहा हूँ कॉमा दिया हूँ मैं, तो कॉमा में लाइनिंग लाइनिंग आ गया ना, अब नेक्स्ट करके कर दूंगा फिनिश, ओके, तो यहाँ मेरा सिलेक्टेड था, आ गया ना, आ गया। थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंटर ACMANT कॉमा BCA कॉमा 000 101 लिखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, क्या मजाक है, ये ले लो मेरा फीस, Alt F4 से क्लोज कर दिया। ठीक, मैंने क्या लिखा आपने देखा नहीं देखा? ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट ये ले लिया। ठीक, अब मैं नेक्स्ट किया, ठीक है, कॉमा पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, बैक कर लेता हूँ, ये देखिए ऊपर वाला हेडिंग बनाया था, नीचे वाला मैंने नाम लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट किया, कर दिया फिनिश, अब कर दूंगा ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे डेटा आ गया ना टेबल के फॉर्म में, कितना बढ़िया मैजिक है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो मत बताओ। ठीक, हाँ, फिर से आता हूं मैं डेटा में। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फ्रॉम टेक्स्ट वाला समझ में आ गया, अब बोल रहा है अदर सोर्स, इसके अलावा भी कोई और सोर्स है, अदर सोर्स में मैं क्लिक करूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहा है एसक्यूएल सर्वर से लाना चाह रहे हो, फ्रॉम एनालाइज सर्विस या एक्सएमएल से या डेटा कनेक्शन विजार्ड ओएलईडीबी, ठीक है। ये वाला आपको समझाया, समझ में आया? नहीं आया होगा। एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, ठीक। जरूरत आपको पड़ेगा नहीं एसक्यूएल सर्वर का कभी, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो मेरे को फोन करना, 24/7 मैं आपको मदद करूंगा, बताऊंगा, ठीक। बस सुबह फोन मत कर देना भाई, मैं सोता रहता हूँ उस समय, ठीक है। आप भी अब मत इतने देर तक सोना, ठीक। नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, फिर फिनिश कर दूंगा यहां से आके। बोल रहा है रिप्लेस, हाँ कर दे भाई। ये सिलेक्टेड यहाँ पे है, या फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए डेटा आ गया ना एसक्यूएल वाला, एसक्यूएल में जो यहाँ स्टूडेंट नाम का बनाया था ना मैं, यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे है, देख लो, वही डेटा मैंने पकड़ के वहां पे ले गया, यहाँ पे आ गया ना, तो यही इसका मतलब है। फिर यहाँ पे दूसरा, इसको तो मैं नहीं बता सकता अभी, और ये जो दो लोग है ना, ये ओएलईडीबी का है, ठीक है, और ये ओडीबीसी का है, तो ये दो को तो मैं बता नहीं सकता, मेरे पास ऐसा जुगाड़ नहीं है। इसको मैं बता सकता हूं अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूं, पर आपके काम का नहीं है, काम का तो नहीं है, कहेंगे तो बता दूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊं, बहुमत तो बता देने का है। अब ये मत करना कि समझ में नहीं आया फिर, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूं बताना, ध्यान से देखिएगा। एक होता है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आऊंगा, टेक्स्ट फाइल फिर से बनाऊंगा, ठीक। डेटा डॉट XML क्लिक, इसको कर दूंगा यस, ठीक। अब इसको मैं करूंगा एडिट, ठीक। यहां पे ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक। Student, ठीक है। XML में बताया नहीं हूं तो समझ में तो नहीं आएगा, ये बात मैं जानता हूं। नेम लिखा ACA में NT नेम, ठीक। इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक। क्लास लिखा यहां पे, क्लास लिखा यहां पे, ठीक है। इस तरह से पूरा जो है XML, यहां पे मैं स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का डेटा है, ठीक। और स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या क्या है, तो नेम है और क्लास है। इसी तरह से आप ढेर सारा रिकॉर्ड बना सकते हो, नेम है, क्लास है, फीस है, रोल नंबर है, पता नहीं क्या क्या है, इस तरह से आप लोग बना लोगे। इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा ब्राउजर के थ्रू, ठीक। ये देख लीजिए, दिख रहा है यहां पर, एक्सेल में लाके देखते हैं जी आता है कि नहीं। हे ऊपर वाले कृपा करो आ जाए। यहां पे आया, यहां पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके। मैं यहां पे क्लिक करता हूं और कर देता हूं ओके, ठीक। क्या मजाक है जी, ये सिर्फ नाम ही उठा के लाया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, कंप्यूटर गलती नहीं करता, गलती तो इंसान करते हैं। यहां पे क्लास मैंने लिखा नहीं है, BCA कर दिया, ठीक है, बदल दिया उसको मैं। यहां पे आया, रिफ्रेश में क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप में गया और फिर सिलेक्ट करता हूं मैं, नहीं ओके, हटना कहां से आ जाता है, कैंसल, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। कहां पे जाऊं, यहां पे एक्सटर्नल डेटा, ये आया, गलत जगह पे मैं क्लिक कर दिया, यहां पे XML, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब इसी पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ओके ओके, ठीक, आ गया ना डेटा। लेकिन इसमें कॉलम कहां था वो तो पता ही नहीं चला जी, आपको कॉलम के साथ लाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ट्राई करता हूं आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कह दूंगा मेरे को नहीं पता, अच्छी बात है ना, कह दो बढ़िया बहाना है।
कैसे मैं लिखूं, कॉपी पेस्ट कर लूंगा। मेरे को लग रहा है उम्मीद कम कि इस तरह से आएगा, ठीक है, लेकिन चलिए आ जाए तो कह देंगे हमारा भाग्य अच्छा है, ठीक है, और नहीं आएगा तो कह देंगे लक्षण ही दिख रहे थे आने के, क्यों। ओके जी, ये तो गलत डेटा ले लाया, मैं डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है, फिर से ला रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे ले लाते हैं डेटा, गेट एक्सटर्नल डेटा, ये XML, ठीक है, इस पे आया, इसी पे डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। ओके, ये बोल रहा है टेबल एग्जिस्टिंग, मैं बोल दिया ओके। ये देखिए जी, अब देखिए आपका टेबलर फॉर्म में ले लाया है, ठीक है, जो क्लास में डाला था ना उसको एक ही में कर दिया, इसको एक ही में कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा इसमें जी, ठीक है, मल्टीपल किया ना इसलिए ऐसा ले लाया, ठीक है, क्लियर होगा मुझे लगता है ये चीजें, नहीं क्लियर नहीं होगा मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। इसका सिंटेक्स वगैरह तो मैं कुछ भी बताया नहीं हूं, तो कुछ भी लिख दूंगा ऐसे तो समझ में आएगा नहीं आपके, ठीक है, तो ये बिना काम का चीज है, आपके लिए तो काम का नहीं है, ठीक है, इसको इसलिए छोड़ दो अभी, ठीक है, इन सबको मैं कर देता हूं जी डिलीट, ठीक है। इसके और भी अच्छे से हम लोग सिंटेक्स लिखते करेक्टली तो मस्त डेटा आ जाता वहां से, ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी करूं आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो गया क्लियर, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इसको कोई काम का नहीं है, मत पढ़ो, छोड़ दो, हटाओ, ठीक है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन से पता ये चलता है ना कि आपने डेटा कहां कहां से कनेक्शन बना के लाया है, ठीक है। अब उसको चाहो तो दोबारा ओपन कर सकते हो आप, या फिर कनेक्शन मेनू कमांड में जाओगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ यहाँ से हमने डेटा लाया है, ठीक है, बता रहा है, तो हमको यहाँ से यही पता चलता है कि हमने डेटा कहाँ कहाँ से लाया है, ठीक है, क्लियर। आगे चलें यार, कल पढ़ोगे, आज ही पढ़ने वाले हो, हला करो यार, आज जो पढ़ने वाले थे जरा वो कुछ बोलो, चलिए कल से ही पढ़ेंगे बाकी, ठीक है। सॉर्टिंग का देख लेंगे, सॉर्टिंग में बताया था ना यार, नहीं बताया था, सॉर्टिंग फिल्टरिंग नहीं बताया हूं, यहां पे नहीं बताया था, यहां पे नहीं बताया, बताया था ना, बताओ, मेरा याददाश्त कमजोर है, कह दिया तो कुछ और बोल दो, क्या मजाक है जी, ये एडवांस फिल्टर है, लार्ज लिस्ट क्राइटेरिया, खैर छोड़िए, देख लेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट करेगा, डेटा वैलिडेशन, चलिए बाकी हम लोग कल पढ़ लेंगे जो बचा होगा, ठीक है। चलिए जी, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभ हो, ठीक, आप लोग अब जाइए प्रैक्टिकल करिए, ठीक।